उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से हम यही दुआ करेंगे कि हमारे सभी साथी, सभी भाई और बहनों को जल्द से जल्द मेडिकल प्रारंभ हो और उन्हें जीटीसी पर जाने का मौका मिले। अब आते हैं मेन बात पे, कल का डेट को लेके सुनवाई होगा कि नहीं होगा, हमारे काफी याची भाई और बहनों के मन में सस्पेंस है, क्योंकि उसका मेन कारण है कि अभी तक सीरियल नंबर नहीं आया। और इसके बारे में, क्योंकि पास ओवर होके तो डेट आया नहीं था 4/1/2021 का, 9/12/2020 को डेट लगा हुआ था, और उस दिन भी कई वजहों के वजह से, कई समस्याओं की वजह से, समय के अभाव के कारण उस दिन भी टेकअप तो हुआ था, समय के अभाव के कारण फाइनल बहस, फाइनल हेयरिंग नहीं हो पाया था कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के बेंच में। और हमारे द्वारा हायर किए गए समस्त अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था, पक्ष को सुनते हुए जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के द्वारा सोच विचार के 4/1/2021 दिन सोमवार को डेट फिक्स किया गया था फाइनल हेयरिंग के लिए। और कई बार सरकारी अधिवक्ता से कह भी चुके हैं कि आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर ले रहे हैं फाइनल बहस के लिए, वो भी कह चुके हैं, लेकिन एकाएक या कई वजह एकाएक आ जाने के कारण जिस दिन डेट लगता है, टेकअप होता है, सारे चीजें होता है, लेकिन फाइनल हेयरिंग का समय के ना रहने के कारण और समस्या आ जाने के कारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये समस्या बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होता है और हर एक प्रयास सफल नहीं होता है, लेकिन हर एक सफलता के पीछे प्रयास ही मुख्य होता है। तो हमें प्रयास करना निरंतर बहुत जरूरी है, और पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ कल से हम लोग संघर्ष करेंगे। कल हमारा डेट रहेगा, इसमें जरा सा भी किसी को सस्पेंस में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट फिक्स हुआ है। हाँ, रही बात सीरियल नंबर की, तो ये सेक्शन की गलती के वजह से ऐसा होता है, एक बार और हो चुका है, पहली चीज। दूसरा चीज, कल कार्यालय का कार्य चालू हुआ है, लेकिन काफी समीक्षा अधिकारी, काफी और अधिकारी बीच में शीत अवकाश के उपलक्ष्य में जो अवकाश था छुट्टी में अपने घर जाने की वजह से कल कार्यालय का सुचारू ढंग से ना चलने के कारण, अधिकारियों के ना रहने के कारण कल नहीं छप पाया, वरना कल ही हमारा लिस्ट बन के सेकेंड लिस्ट आ जाता। लेकिन इसका भी नेम होता है कि सेम डे में ये छप के आएगा, मतलब कल 11 बजे के पहले कोर्ट पहुंच जाएगा, लिस्ट फाइल पहुंच जाएगा, इसमें जरा सा भी समस्या नहीं है। और हमारे तरफ से 10:15 बजे हमारे अधिवक्ता मेंशन करने के लिए तैयार रहेंगे, और हम कोशिश यही करेंगे कल कि हमारा 10:15 बजे तक ही फाइल पहुंच जाए और सीरियल नंबर अलाउ हो जाए। सीरियल नंबर 1 पे रहेगा सेकेंड लिस्ट में, इसमें जरा सा भी इफ बट नहीं है। और काफी जो फ्रेश के केस हैं वो ट्रांसफर भी होंगे, क्योंकि 200 से अबव केसे हैं और लगभग 40-42 एडिशनल हैं, तो इससे भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सारा दारोमदार जज के ऊपर है, और मेंशन तो कराया जाएगा, जज में हमारे मेंशन एक्सेप्ट करते हैं या लंच के बाद 2 बजे, 3 बजे या 3:30 बजे हमें एक समय निर्धारित करके देते हैं सुनवाई के लिए, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और हमारे तरफ से पहले से ही एडिशनल प्रेशर अग्रतर चला आ रहा है, संघर्ष में कभी कमी नहीं होने पा रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, फाइनल हेयरिंग नहीं हो पा रहा है कि जिस दिन डेट लगता है कुछ ना कुछ समस्या आ जा रहा है। अगली बार तो सरकार की तरफ से
कोई भी अधिवक्ता ना रहने के कारण भी और समस्या हो गया था, लेकिन ऐसा निरंतर होने नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ज़्यादा और तेज़ी से हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि 49,000 का सेकंड बैच जून जुलाई तक जाएगा, हम चाह रहे हैं कि उसके पहले ही हमारे समस्त याची भाई और बहनों को जीटीसी पर जाने का मौका मिल जाए। और हम एकदम जीत के मुहाने पे खड़े हुए हैं, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यायालय है, न्यायपालिका में आप आए हैं तो आपको सब्र भी रखना पड़ेगा और तन मन धन से संघर्ष करना भी पड़ेगा, जैसे आप अभी तक करते हुए आए हैं, साथ और सहयोग देते हुए आए हैं, वैसे कुछ समय और सब्र रखिए, आपको जमीनी स्तर पे कार्य दिखेगा जैसे 2020 मार्च के पहले दिख रहा था, लॉकडाउन के पहले। तो मैं वादा करता हूं, क्योंकि अभी तक जो कहा गया था उसमें कामयाब हुए हैं, कार्य को करने में कोशिश जो है वो परिणाम में तब्दील करने में कामयाब हुए हैं। अब पहले एक दिन पहले आ गया होता सीरियल नंबर तो मेंशन कराने में और सुविधा होता, लेकिन तत्काल में थोड़ा समस्या तो होगा, लेकिन इसके पहले भी कई समस्याओं को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो जरा सा भी किसी को परेशान नहीं होना है। और किसी बात को कई भ्रांतियां जो फैलाया जाएगा उससे भी आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग जीत के करीब हैं, कोई भी ताकत हमें जीत से रोक नहीं सकती है और ना हमें वर्दी से वंचित कर सकती है। बस हमें जितना पहले करते थे कोशिश, उससे काफ़ी कोशिश, काफ़ी एनर्जी के साथ आगे कल से कार्य प्रारंभ करना है, क्योंकि साल का पहला दिन है और पहले दिन ही हमारा डेट लगा हुआ है। कल पूरा आशा करते हैं कि दोनों टाइम कोर्ट बैठे, सुचारू ढंग से कार्य चले, तो हर हाल में केस सुना जाएगा, क्योंकि जब भी हमारा केस सुना जाएगा वो लंच के बाद ही सुना जाएगा। लंच के पहले फ्रेश केस का सुनवाई करेंगे और लंच के बाद ही हमको समय मिलेगा हमारा, जैसे हर डेट में हम लोग मेंशन कराते हुए आए हैं वैसे कल मेंशन कराया जाएगा। और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा मेंशन एक्सेप्ट होगा और लंच के बाद सुनने का हमें समय दिया जाएगा। तो किसी भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा हायर किए गए समस्त अधिवक्ताओं से आज मिल के विचार विमर्श किया गया है, पूरी समस्या को बताया गया है, तो उसको देखते हुए हमारे अधिवक्ता एक्टिव हैं, किसी तरह से वो हिल्ला हवाली करने के मूड में नहीं है। जैसे पहले समय आने के पहले जिस दिन डेट लगता था टेकअप होने के पहले एक्टिव रहते थे, उसी तरह फाइनल हेयरिंग के लिए कल भी वो तैयार होके जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। किसी भी डेट में आर्डर रिजर्व हो सकता है, तो किसी भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय है, सब्र रखना पड़ेगा। जैसे कल ना सुनवाई होता है या कोई समस्या हो जाता है तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। और कल से रेगुलर कोर्ट चलेगा और जब तो रेगुलर कोर्ट चलेगा तो हर चीज़ संभव है। जो असंभव था वो भी हम लोग आप लोगों के साथ और सहयोग से संभव करके जमीनी स्तर पे दिखाए हैं, तो ये भी कोई चीज़ असंभव नहीं है। टेकअप भी होगा, बहस होगा, कुछ वक्त की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा समय ना लगे, जल्द से जल्द हमारा आर्डर रिजर्व हो, क्योंकि ज़्यादा समय लगने से हमारे कई प्रकार के आगे समस्या प्रकट होता हुआ आ रहा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारे अधिवक्ताओं का पूरा कोशिश है। और अब कल से अतिरिक्त प्रेशर भी डाला जाएगा जज के सामने, तो हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो किसी बात को लेके हमारे किसी भी याची भाई और बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए और थोड़ा समय और दीजिए, या तो कल हो जाता है तो बेहतर है, डेट तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर सेम डे में 10:30-11 बजे तक आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा केस को सुनने के लिए जज तैयार हो जाएं, बस मेन चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ना हमारा केस में जरा सा भी
हमारे विपक्ष में जाने का डर है, जरा सा नहीं, 101% हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति पे केस पहुंच चुका है कि सिर्फ हम जीत सकते हैं, कुछ नहीं और आगे हो सकता है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जीत के लिए सारे चीज़ प्रेजेंट हैं, सारे चीज़ लगा दिया गया है और सारे चीज़ें हमारे फेवर में हैं। इसको देखते हुए जितना संभव हो सकता है भर्ती बोर्ड हिल्ला हवाली केस को कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक वो कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जितना संभव हो सकता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। अब हर एक बात प्रेजेंट टाइम आईडियो के माध्यम से सब कुछ बता देना जरूरी नहीं है, हमारे केस के लिए, आपके हमारे भविष्य के लिए भी समस्या है। तो सारे चीज़ें आप समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, बस थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। और ये नहीं कि कल आर्डर नहीं आ सकता है या कल सुनवाई नहीं होगा, कल भी सुनवाई होगा, कल भी आर्डर आ सकता है, लेकिन हमारे संपूर्ण याची भाई को जो आशा रहता है और जिस दिन काफ़ी दिनों के बाद डेट लगता है, सुनवाई नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो ज़्यादा मायूसी छा जाती है और निराश होते हैं और आपसे ज़्यादा हम खुद दुखित होते हैं। हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे किसी भी याची भाई बहनों को या उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को जो बेतबरी से इंतजार रहता है डेट का, उस दिन दुख ना हो। हम पूरे प्रयास करते हैं, रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जज साहब कुछ ना कुछ हल्ला हवाली करके उस दिन एकाएक कोई समस्या आ जाने के कारण नहीं केस का सुनवाई कर पाते हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन होने वाला नहीं है ऐसा, और हमारा केस में कुछ बचा भी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें नियुक्ति पे बहस करना है। और ये दिन किसी दिन भी हो सकता है, ये शुभ घड़ी, ये शुभ दिन किसी दिन भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कल भी पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी को दुखित होने की ज़रूरत नहीं है और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक्त की इंतज़ार है, ये पक्का मैं वादा करता हूँ। जब तो एकाएक कोरोना जैसे महामारी नहीं आई सामने, तो अप्रैल में DBPST मेडिकल जैसे प्रक्रिया प्रारंभ हर हाल में हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बस किसी भाई को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वक्त की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है कि जो वक्त ये कहा जा रहा है इसमें हिल्ला हवाली किया जाएगा। हर डेट में एक्टिविटी पहले से काफ़ी ज़्यादा रहेगा और वो कार्य कल से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि कल से कोर्ट खुल रहा है। तो आप लोग परेशान ना रहिएगा और किसी भाई को निराश नहीं, हमारी पूरी कोशिश रहे कि निराश ना लौटने पाए। तो हर चीज़ को विशेष ध्यान में रख के कार्य किया जा रहा है, हमेशा हम टच में हैं अपने अधिवक्ताओं से, विचार विमर्श चल रहा है। कल 10:30-11 बजे तक सीरियल नंबर आ जाएगा और कल सुनवाई होगा, कल मेंशन होगा। जैसे ही कुछ अच्छा न्यूज या अपडेट आता है ज़रूर आप लोगों को दिया जाएगा, और फ़ोन कम करिएगा। हम पूरा कोशिश करते हैं जो भी हमारे भाई फ़ोन कर रहे हैं उनका रिसीव किया जाए, उनकी समस्याओं का सुना जाए और अवगत कराया जाए जो सही है, लेकिन कल फ़ोन मत करिएगा। कल डेट है, इसमें दो राय नहीं, कल भी फाइनल बहस हो सकता है, लेकिन किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो तो कोई समस्या होता है तो हर सप्ताह डेट लगेगा, किसी ना किसी डेट में हमारी फाइनल हियरिंग होगी, तो पहले से ज़्यादा हम लोग अब सक्रिय होंगे, क्योंकि 10 माह हमारा बेकार गया है कोरोना के चलते। आगे ऐसा ना और दिक्कत हो, कोरोना रेगुलर कोर्ट चलेगा तो बहुत जल्द हम लोग फाइनल हेयरिंग करवा के और आर्डर रिजर्व करा लेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, मनगढ़ंत कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ वक्त का दरकिनार है, बाकी आपको ज़मीनी स्तर पर कार्य जैसे पहले दिख रहा था वैसे दिखेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। कल डेट रहेगा, इसमें जरा सा भी सस्पेंस नहीं है।